हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रॉब्लम की जिसकी गिरफ्त में करीब करीब सारे लोग हैं और इसके कारण हमें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंग्जाइटी की। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंग्जाइटी आखिर है क्या, एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स हैं, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं और मैं आपको कुछ न्यूरो साइंस के ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसके सहारे कि आप एंग्जाइटी से हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे, वो भी बिना मेडिसिन के। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं आखिर एंग्जाइटी है क्या। एंग्जाइटी का मतलब है एक डर, एक घबराहट और एक चिंता जो कि दिन रात सुबह शाम हमारे साथ ही रहती है। हम किसी काम को करें, हम कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये घबराहट, ये डर हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और समझाना चाहूँगा कि हर तरह के फियर बुरे नहीं हैं। फियर किसी भी एनिमल का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। नेचर ने हमें फियर दिया है ताकि हम जिंदा रह सकें। अगर हमारे अंदर फियर ना हो तो हम पहाड़ से कूद जाएंगे या शेर से लड़ जाएंगे और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। इसलिए ये फियर ही है जो कि हमें इन खतरों से बचाता है। दोस्तों, यही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर तरह का डर एंग्जाइटी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी एग्ज़ाम को देने जा रहा हूँ या किसी नए इंटरव्यू को फेस कर रहा हूँ या किसी प्रोजेक्ट पे मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो डर आता है या जो घबराहट आती है वो एंग्जाइटी नहीं है। ये बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि टाइम के साथ कम हो जाएगा। लेकिन यही घबराहट, यही डर और यही चिंता अगर मुझे डे टू डे एक्टिविटी को करने से रोकती है, हर काम में बाधा उत्पन्न करती है, तो ये एंग्जाइटी है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एंग्जाइटी के कारण हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं और हम इसकी कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी के कारण सबसे पहले हम अपने हेल्थ को खो रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है और हमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक एंग्जाइटी में रहने के कारण हमारे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हमें घबराहट हो जाता है, हमारे जो सांसों की गति है वो भी तेज हो जाती है और हमें ये सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी के कारण हमारे स्लीप की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है और कई बार हमें नींद आती ही नहीं है। इसके कारण हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने जॉब में या करियर में नहीं दे पाते। उसके अलावा हमारा माइंड किसी भी टास्क पे फोकस नहीं कर पाता, क्रिएटिविटी नहीं शो कर पाता और इसके कारण हम अपने करियर को, हम अपने फाइनेंशियल लाइफ को ख़राब कर देते हैं। और तो और, इसके कारण हमारा माइंड इरिटेबल हो जाता है, हमें गुस्सा बहुत ही जल्दी आने लगता है और इसके कारण हम अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एंग्जाइटी के गिरफ्त में फंस कर हम अपने हेल्थ को, हम अपने फाइनेंशियल लाइफ को, हम अपने रिश्तों को और हम अपने करियर को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है कि हम इस एंग्जाइटी को पहचानें, इसको एक्सेप्ट करें और इससे निजात पाएं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स और टूल्स बता रहा हूँ जो कि इसी समय से आपके लिए काम करेंगी और जिसको उपयोग में लाने के बाद आप एंग्जाइटी को हमेशा के लिए छूमंतर कर सकते हैं। नंबर वन, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। दोस्तों, एंग्जाइटी के मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंग्जाइटी एक ट्रिगर से होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एंग्जाइटी में हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस बस में मैं हूँ वो बस अगर पलट गई तो, अगर मेरी सैलरी नहीं आई तो। तो बहुत सारे लोगों ने यह कबूल किया है कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेसर जॉब है। वहीं सेकेंड कैटेगरी के लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी लाइफ का स्ट्रेसर उनका रिलेशनशिप है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसी के लाइफ का क्या ट्रिगर है या स्ट्रेसर है जो कि उसके लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। और जब आपने एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मान लो आपका जॉब आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस जॉब में या तो अपने स्किल को बढ़ा लें या तो आप उस जॉब को छोड़कर कुछ और करें। इसी तरह से आप रिश्तों में भी या तो रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं या रिश्तों में नए स्किल सीख सकते हैं जिससे कि आप इनको बेटर कर सकें। दूसरी टेक्निक है चेंज योर स्टेट। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल टूल है और ये तुरंत काम करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में ये देखा कि जब भी हम अपनी पीठ को सीधी रखते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं और अपनी नज़र को ऊपर रखते हैं,
उस समय हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल 33% घट जाता है, हमारे अंदर का जो इंस्पिरेशन एनर्जेटिक केमिकल है टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ जाता है और हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम एक्शन लेंगे, कुछ पॉजिटिव एक्शन लेंगे। उसी तरह साइंटिस्ट ने यह भी पाया कि जब आप अपने कंधों को झुका देते हैं, गर्दन को नीची कर लेते हैं, नज़र नीची कर लेते हैं और आप अपने फोकस को कहाँ क्या गलत है उस पे रखते हैं तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं और इस स्टेट में आपको हर एक रस्सी सांप दिखने लगती है, हर एक दिन एक टॉर्चर दिखने लगता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी एंग्जाइटी में खुद को कैच करें उसी समय आप अपने पोस्चर को चेंज करें, आप तन के खड़े हो जाएं, गर्दन सीधी रखें, नज़र को ऊपर रखें और आप अपने फोकस को आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है उस पर फोकस करना शुरू कर दें। नेक्स्ट टेक्निक है अ गुड मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपने जीवन का एक घंटा 24 घंटे में से एक घंटा अगर अपने हेल्थ को दिया तो 23 घंटे तक आप बीमारियों से फ्री रहेंगे। इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाएं या फिर आप डंबल उठाएं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप दौड़ लगा सकते हैं, अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है उस एक्टिविटी को करके आप अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं, आप अपने शरीर के ब्लड फ्लो को तेज कर सकते हैं और इसके कारण आपके ब्रेन में जो चेंज आएगा वो ये होगा कि सारे नेगेटिव केमिकल्स वॉश आउट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव केमिकल्स हैं हैप्पीनेस के, जॉय के, मोटिवेशन के, वो अपने आप बढ़ने लगेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है डू समथिंग फॉर लाइफ। दोस्तों हम अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन जब कभी भी हम कुछ ऐसा मिशन अपने लाइफ में ढूंढते हैं, कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से बड़ा है, उस समय हम कुछ मैजिकल कर रहे होते हैं खुद के लिए और इस विश्व के लिए। और मेडिकल साइंस का ये रिसर्च दिखाता है कि जिस समय हम किसी दूसरे के लिए या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस समय हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए आप भी दिन में कुछ ऐसा काम कर सकते हो, कुछ ऐसे कॉज में आप अपनी सेवा दे सकते हो, किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, आप किसी बूढ़े को सड़क पार करा सकते हो, मेट्रो में किसी गर्भवती स्त्री को एक सीट ऑफर कर सकते हो। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ही आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू करेंगे और आप ये देखोगे कि आपका इमोशनल सेट पॉइंट नॉर्मल से काफ़ी ऊपर हो गया है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ डू समथिंग न्यू। दोस्तों आप किसी नई जगह पे जाएं, किसी नए काम को करें, किसी नए लोगों से मिलें। जब हम एक ही एक्टिविटी को बार 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 करते रहते हैं उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो सर्किट्स हैं वही सर्किट फिर से मजबूत होती रहती हैं या हार्ड वायर होती रहती हैं। अब हमारे ब्रेन की जो प्रेजेंट में एंग्जाइटी के स्टेट में जो न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स हैं वो हमारे लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर रही हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, बीमारियाँ क्रिएट कर रही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन सर्किट्स को ब्रेक करें। इसको ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है कि हर दिन कुछ नया करना। आप किसी नई जगह को विजिट कर सकते हैं, किसी नए आदमी से बात कर सकते हैं, किसी नए एक्शन को या नई एक्टिविटी में अपना योगदान दे सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका ब्रेन स्ट्रेच होता है, आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत के तहत नए नए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनते हैं और ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, आपके ब्रेन की एनर्जी को अच्छा करते हैं और आप ये देखेंगे कि एंग्जाइटी से आप निजात पा रहे हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा इस बात का कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें जिनकी लाइफ में ये कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकता है। थैंक यू।